नोटबंदी के बाद से ही सरकार की इनकम टैक्स से कमाई में इजाफा हो रहा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अप्रैल से दिसंबर के बीच 14% का इजाफा हुआ है। इन 8 महीनों के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 8,74,000 करोड़ रुपए रहा। टैक्स रिफंड भी करीब 1,25,00,000 करोड़ से ऊपर रहा, जो कि पिछले साल में 17% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 लाख करोड़ एडवांस टैक्स के रूप में वसूला गया है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 14.5% ज्यादा है। टैक्स रिफंड के बाद नेट टैक्स कलेक्शन 7,43,000 करोड़ रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 13.5% ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 19 में मोदी सरकार ने एस्टिमेटेड टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य 11,50,000 करोड़ रुपए रखा है। ऐसे में अभी तक बजट लक्ष्य के मुताबिक सिर्फ 65% टैक्स हासिल हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में भी करीब 15% का इजाफा हुआ है। नोटबंदी और सरकार की ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करने की मुहिम का ही असर है कि टैक्स पेयर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है।